तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को गणित नहीं पढ़ाऊंगा, आज हम गणित के कुछ जादुई पहेली सीखेंगे। मतलब दिमाग को तेज करने के लिए कुछ अद्भुत गणित के प्रश्न मैं लाया हूं। जैसे यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा माचिस के तीन तिली यहां पर है और तीन तिली यहां पर है, टोटल छह तिली है। तो आपको क्या करना है, इन छह तिलियों में से केवल और केवल एक तिली को आपको मूव कराना है। मतलब आप उस एक तिली को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसको इस प्रकार जमाना है कि यहां पर जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, वो चार त्रिभुज हो जाने चाहिए। वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, यहां बीच में अगर जमाएंगे तो आपको एक त्रिभुज और मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं केवल एक ही माचिस की तिली को क्या करना है, हटाना है और इस प्रकार जमाना है कि यहां पर चार त्रिभुज दिखना चाहिए। आगे देखिए, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर देखिए, माचिस के चार तिलियों को, ध्यान दीजिए ये थोड़ा हटके है और इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। जैसे माचिस के चार तिलियों से आपको वर्ग बनाना है, लेकिन शर्त बहुत खतरनाक है। पहला शर्त है कि माचिस के तिलियों का जो सिरा होता है उसमें से जो मसाला वाला भाग है वो किसी भी सिरे को नहीं छूना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, माचिस की तिली से जब आप वर्ग बनाएंगे ना, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जब आप माचिस की तिली से जब इस प्रकार वर्ग बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का वर्ग बनाना चाहेंगे, लेकिन भाई जब इस प्रकार का हम बनाते हैं तो इसके मसाला एक भाग यहां पर आएगा, एक का मसाला यहां पर आएगा, एक का मसाला यहां पर आएगा, एक का मसाला यहां पर आएगा। वर्ग तो बन गया है, लेकिन मेरा पहला शर्त है कि सिरा जो है क्या करना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। मतलब खास करके मसाला वाला जो सिरा है वो किसी अन्य सिरा को न छुए। बिना मसाला वाला जो सिरा है वो किसी सिरे को छू सकता है। पहला शर्त यह है कि मसाला वाला सिरा किसी भी सिरे को नहीं छूना चाहिए, यह पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है कि माचिस का जो तीली जो लेंगे और उसको जब जमाएंगे तो कोई भी माचिस का तीली जो है एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, प्रतिच्छेदित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप माचिस के तीली को इस प्रकार जमाते हैं, चलो मैं यहां पर जमा कर बता रहा हूं, अगर मैं इस प्रकार, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, यहां पर हम व्हाइट कलर लेते हैं, इसको बेक कर देते हैं। अगर मैं माचिस का तीली को इस प्रकार जमाऊं, इस प्रकार जमाऊं, इस प्रकार जमाऊं और इस प्रकार जमाऊं, तो निश्चित रूप से यहां पर बीच में हमें एक वर्ग दिखाई दे रहा है जिसमें से एक का मसाला हो सकता है इधर हो, एक का मसाला इधर हो, एक का मसाला इधर हो और एक का मसाला इधर हो। तो हमें चार माचिस की तीली तो मिल गए, लेकिन भाई मैंने क्या कहा है, यहां पर जो माचिस की तीली है वो एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। यहां पर तो काट रहा है, हालांकि यहां पर भी बीच में आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों शर्तों को पालन करते हुए क्या करना है, आपको यहां पर एक ऐसा चित्र बनाना है। मतलब एक माचिस की तिलियों को इस प्रकार रखना है कि एक छोटा सा वर्ग, बड़ा सा वर्ग, जितना बड़ा वर्ग बना सकते हैं एक वर्ग बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि माचिस की तिली का जो सिरा है, मसाला वाला सिरा, किसी अन्य सिरा को न छुए, ठीक है। लेकिन बिना मसाला वाला सिरा छुए कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न है यहां पर, देखिए ये थोड़ा अद्भुत है, इसमें भी दो चैलेंज हैं। मतलब क्या करना है, यहां पर आपको नौ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन नौ बिंदुओं को आपको क्या करना है, पहला गणित यह है, इसमें आपको दो गणित मिलेंगे, दो चैलेंज है कि चार लाइन आपको खींचना है। ध्यान दीजिए, चार लाइन खींचना है, लेकिन वो चार लाइन जहां से आप खींचना प्रारंभ करेंगे, है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं लाइन को यहां से प्रारंभ करता हूं, अब मेरा पेन उठना नहीं चाहिए और मैं केवल चार लाइन ही खींचूंगा। देखो मेरा पेन नहीं उठा है और ये दो लाइन हो गया और ये तीन लाइन हो गया और ये चार लाइन हो गया। आपको क्या करना है, ये सारे बिंदु जो है उस चार लाइन में आना चाहिए, ठीक है। जैसे चलिए यहां से हम बेक जाते हैं, अगर हमें क्या करना है, अगर मैं यहां से इस प्रकार भी चलता हूं, इस प्रकार चलता हूं या इस प्रकार चलता हूं, तो तीन लाइन हो गया है और ये हो गया चार लाइन। इसमें एक दूसरे को काट सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, पेन को नहीं उठाना है और ये चार जो टोटल नौ बिंदु है वो क्या होना चाहिए, उस चार लाइन में आना चाहिए। आपको चार लाइन ही खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है, यदि आपको इसी गणित को बनाना है और आपको क्या करना है, तीन लाइन में, केवल और केवल तीन लाइन में आपको क्या करना है, इन जो नौ बिंदु दिख रहा है उसको लाना है और वो लाइन आपको सीधा खींचना है भाई, मोड़ के नहीं खींचना है। मतलब इस प्रकार आपको मोड़ कर नहीं खींचना है, लाइन को आप एक सीधा ही खींचेंगे, आप कैसे भी करिए, लेकिन लाइन सीधा होना चाहिए, एक सरल रेखा होना चाहिए और तीन सरल रेखा में इन बिंदुओं को लाना है। पहला वाला में चार लाइन में लाएंगे जिसमें आपको पेन को उठाना नहीं है। तो चलिए आपके लिए चैलेंज है, अब वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और आप लोग फटाफट क्या करिएगा, इसको बनाकर देखिए। और चलिए हम सभी प्रश्नों को आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम पहला प्रश्न बनाते हैं, इतने को हम मिटा देते हैं, चैलेंज तो हमें समझ आ गया है, इतने को कर देते हैं डिलीट, ठीक है, ये मिट नहीं रहा है, ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब हमारा पहला शर्त क्या है कि हमने जो बताया था उसके आधार पर हम इसको अगर जोड़ना चाहें तो भाई हम क्या करेंगे, जैसे हम एक लाइन यहां से खींचे, दूसरा यहां से खींचे,
तीसरा यहां से खींचे और चौथा यहां तक खींचे, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक बिंदु छूट रहा है और हम चाहते हैं कि ये एक बिंदु जो है ना छूटे, तो हम क्या करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जेड शेप में सोच सकते हैं। ये देखिए हमने कितने लाइन खींचे हैं, तीन लाइन और एक लाइन आप यहां पर खींचे। देखिए हर बार हो ये रहा है कि चार लाइन नहीं हो पा रहा है और चार लाइन में एक बिंदु छूट रहा है। अगर इसका सही उत्तर देखना चाहते हैं तो देखिए मैं चार लाइन वाला पहले बता रहा हूं, ऊपर में जो मैंने प्रश्न बताया था कि चार लाइन में आपको क्या करना है, इसको लाना है और आपका पेन नहीं उठना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, आपके पास बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं, आप शुरुआत यहां से करिए। ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, शुरुआत यहां से करना है। अब जैसे मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं और मेरा पेन नहीं उठना चाहिए, ये देखिए मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, अब दूसरा लाइन आप कैसे खींचेंगे, ध्यान दीजिए इस लाइन को इस प्रकार खींचना है और थोड़ा सा आगे जाना है, हो गया। उसके बाद आपको यहां से ऐसे जाना है, ये देखिए यहां तक जाएंगे, तीन लाइन हो गया और ये आपका चार लाइन, ठीक है। चार लाइन में सभी बिंदु आ गया और हमने चार सीधे लाइन खींचा है और हमारा जो पेन है वो नहीं उठा था, ये हो गया पहला। अब दूसरा, इसी को हम क्या करेंगे, तीन लाइन में लाना है भाई। अब तीन लाइन में लाने के लिए आपको हो सकता है बहुत माथापच्ची करना पड़े और मैंने बोला है एकदम सरल रेखा होना चाहिए, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्केल ला लेते हैं। यहां से हमारे पास एक स्केल है, स्केल को ला लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्केल आ गया है और हम बिल्कुल सीधा लाइन खींचने वाले हैं स्केल के माध्यम से, देखिए एकदम सीधा लाइन ही खींचेंगे और ये सीधा लाइन में आना चाहिए। आपको क्या करना है, आप अगर गणित को जानते हैं तो इसके मध्य बिंदु और सिरा वाला पॉइंट को लीजिएगा। तो यहां पर देखिए अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, इसको हमें नहीं लेना है, ये मध्य बिंदु है और ये सिरा है। आपको क्या करना है, इनका आपको ध्यान देना है, इनका सिरा लेना है, इनका मध्य बिंदु लेना है और इनका सिरा लेना है। मतलब इस स्केल को आप इस प्रकार जमाइए, देखिएगा मैं जमा रहा हूं, इस स्केल को हमें इस प्रकार जमाना है कि बीच वाले का मध्य सिरा, बीच वाले का मध्य सिरा और इनका सिरा लेना चाहिए, ठीक है, और इनका भी सिरा। थोड़ा सा इसको और खींच देते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब इसको यदि आप लाइन खींचते हैं तो देखिए एक सीधा लाइन ही जाएगा, मैं सीधा लाइन ही खींच रहा हूं, ये देखिए मैंने एक सीधा लाइन खींचा, पहला सीधा लाइन हो गया। अब इसमें तीन बिंदु समाहित हो गया है, ठीक है, मतलब तीनों बिंदु समाहित हो गया है। अब क्या करना है, ये स्केल को आपको इस प्रकार जमाना है, स्केल को हम थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, स्केल को घुमा लेंगे ऐसे और स्केल को थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस प्रकार जमाना है कि इसका ऊपरी सिरा और इसका निचला सिरा और बीच का मध्य सिरा लेना है, ठीक है। ये मैं जमा दिया इस प्रकार, ये देखिए ये जम गया है। अब इसको सिंपल से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, तो हम खींच देते हैं यहाँ से, ये देखिए फिर से सीधा लाइन हो गया। अब दो लाइन तो जुड़ गया है और इसमें छह बिंदु हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, स्केल को इस प्रकार लेंगे और यहां पर भी उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल वैसा ही खींचेंगे जिसमें से एक का ऊपरी सिरा, दूसरे का निचला सिरा और बीच का मध्य सिरा लेना है, ये देखिए हो गया। अब यहां से हमें क्या कर देना है, फिर से एक लाइन खींच देना है। अभी तीनों बिंदु एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो यहां से खींचना प्रारंभ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने केवल तीन ही लाइन खींचा और ये तीन लाइन में हमारे जो नौ बिंदु है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो दोनों ही ट्रिक हमारा काम कर गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, अगला देखते हैं, ये वाला प्रश्न। इस वाले प्रश्न को तो मैंने आपको पूरा बता दिया था, तो यहां पर हम इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार का ट्रिक का तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, इस प्रकार की ट्रिक का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमारा उत्तर क्या होगा, तो उत्तर इसी में छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, माचिस की तीली को कैसे जमाना है। तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा इसको हम कैसे हटाएंगे। अब इसको जैसे ही हम हटाएंगे तो निश्चित रूप से यहां पर आपको तिलियों का ऐसा जमावड़ा मिल सकता है जिससे हमारा उत्तर बन जाए। देखते हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि माचिस की तिलियों को हमने इस प्रकार जमाया है। अब यहां पर आपको वर्ग कहां दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से बीच को आप देखेंगे ना, तो बीच में आपको यहां पर अंदर में एक छोटा सा वर्ग दिखाई दे रहा है जो क्या हो रहा है, माचिस के जो तिली का जो मसाला वाला सिरा है बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रहा है और यहां पर आपको छोटा सा क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है। अब इस प्रश्न में आते हैं भाई, इसमें हमको क्या कहा गया था, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है, मतलब एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना है जिसमें चार त्रिभुज हो जाए और एक ही माचिस के तीली को मूव कराना है। तो चलिए यहां से मैं क्या करता हूं, इसको और इसको, ये माचिस का तीली मूव करा दिए और यहां पर हमें क्या करना है, एक माचिस की तीली को, भाई माचिस की तीली को क्या मैं इस प्रकार नहीं रख सकता क्या, ये देखिए माचिस की तीली को इस प्रकार रखेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर कितने हो गए हैं, चार त्रिभुज। तो ये चार त्रिभुज हो गया है। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।